बात यह है कि सीट किसको जाएगा। गठबंधन दल के पास वो सीट रहा है, अब इस पर हमारा जो वरीय नेता है वो तय करेंगे कि वहाँ कौन चुनाव लड़ेगा, उसके बाद डिसाइड होगा और फिर जो चुनाव का समय आएगा तो सारे लोग मिलकर उस सीट को जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। सहयोगी को सहयोग करेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से। यदि हमारे नेता अगर इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि हम पूरी तरह से लगेंगे तो सारे लोग लगेंगे उसमें। आप लोगों का कोई दावेदारी तो नहीं है रामगढ़ को लेकर? अब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये जिनकी जवाबदेही है वो समझेंगे क्या करना है नहीं। क्या लगता है कि इस बार जीत बीजेपी बोले कि आशु के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम लोग का जीत सुनिश्चित होगा? नहीं पड़ेगा हम लोगों को, ताकि इस बीच जितने उपचुनाव हुए हैं सब में हम लोग जीते हैं, एक भी सीट पर उन लोग नहीं आ पाए। और आज का जो संकेत है वह यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जमीन खो चुकी है, आने वाले समय बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लगता है लिटमस टेस्ट होगा इस बार? हाँ, 2024 को लेकर लिटमस टेस्ट? नहीं, इसको अब तो लगातार देख रहे हैं हम लोग, जितने चुनाव हुए सब जीते हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। आज तो अपना गढ़ मानती है रामगढ़ को, ठीक बात है, लेकिन आशु का साथ जो पिता है वो उनको ही पता है, भारतीय जनता पार्टी ऐन वक्त पर उनको धोखा दी, हाँ, और इसे उनको बचने की जरूरत भी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।